नमस्कार प्रणाम, मैं अमितेश कुमार सिंह। अभी हम लोग सिसवा कला पंचायत के भिक्कुर भगवानपुर उपस्थित गांव में उपस्थित हैं, जहां पे देख सकते हैं यहां पर एक नए छठ घाट का शिलान्यास आज माननीय विधायक जी द्वारा तय होगा। और यह हम लोग गर्भू बाबा के प्रांगण है और गर्भू बाबा के प्रांगण में पहली बार यहाँ पे छठ घाट का उद्घाटन हो रहा है। और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि ये छठ घाट बनकर तैयार हो गया है, जिसको आज दरौदा विधायक रंजीत सिंह जी अपने हाथों से इसका शिलान्यास करेंगे। दरौदा विधानसभा क्षेत्र के जो विकास है उसका रफ्तार तेज करने के लिए आज छठ घाट का उद्घाटन हुआ आपके द्वारा, और क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर भिक्कुर भगवानपुर में मौजूद? देखिए, विकास की रफ्तार की बात नहीं है, ये जो है तो मेरा दायित्व है, मेरा जिम्मेवारी है। हमको जहाँ लगता है वहाँ जिस चीज़ की जरूरत है, जिसमें हम सक्षम हैं, हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े हैं, जनता की समस्या जो है उसका निदान हो, उसका निराकरण हो। इस कड़ी में आज भी दो छठ घाट का उद्घाटन हुआ यहाँ भी, और एक ठो पकड़ी के बगल में चांद परसा गांव है वहाँ भी। तो हमको लगता है कि अभी शिलान्यास उद्घाटन का काम अगर किया जाए तो रोज प्रतिदिन 60 से 65 अभी पड़ा हुआ है काम, बीच में कुछ बरसात के कारण कुछ और भी पार्टी का कुछ काम था, कुछ विधानसभा चल रहा था, इसके कारण शिलान्यास उद्घाटन नहीं हुआ है। लेकिन रफ्तार जो है ना, रफ्तार रुका नहीं है, गति इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा मिलता ही रहता है और मिलेगा, गति प्रदान करते रहते हैं। लेकिन क्या सड़क पुल पुलिया और छठ घाट बनाने से हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा? देखिए, सड़क और पुल पुलिया और छठ घाट की बात आप हमसे किस क्षेत्र में जानना चाहते हैं, किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है वो हमको इंडिविजुअल बताइए। जैसे आप विद्यालय की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोड की बात कीजिए, स्टेडियम की बात कीजिए, किसी भी क्षेत्र में बात कीजिए। लेकिन जैसे कि हम लोग चौरी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या प्रखंड है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो प्रखंड है बहुत दूर पड़ता है और हम लोग के यहाँ के लोगों का मांग है और हमेशा हम लोग को लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है, तो क्या हम लोग यहाँ भी एक मिनी ब्लॉक होना चाहिए? देखिए, बिहार का ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जिसका रेडियस 8 से 10 किलोमीटर नहीं होगा। एक पंचायत का ब्लॉक नहीं होता है, ब्लॉक का मतलब होता है 15-17, उसके 200 बनाए आपके यहाँ। तो अभी हसनपुरा ब्लॉक बना है, कुछ ही दिन पहले बना है। आप ही के यहाँ से पहले तो मान लीजिए कि यहाँ के लोग जाते थे पंचरुखी, पंचरुखी से और हसनपुरा से, सॉरी अंदर से और पंचरुखी से और कुछ सिस्टम से कट के हसनपुरा ब्लॉक बन गया। इसलिए ब्लॉक तो बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अगर चाहेंगे कि हर पंचायत में हर घर में, तो उसका व्यवस्था है, सरकार ने व्यवस्था बना दिया हर जगह। पंचायत भवन आखिर क्यों बनाया है, पंचायत भवन पे इतना खर्च क्यों कर रहा है, वो भी एक मिनी ब्लॉक का रूप दे के मिनी ब्लॉक का व्यवस्था उसमें भी किया जा रहा है। सर, छठ पूजा नज़दीक है, आने वाला है, मतलब अक्टूबर नवंबर में छठ पूजा है, उसका उद्घाटन भी छठ घाट का हो रहा है। इस मौके पर हम आपसे जानेंगे कि विधानसभा जो दरौदा है उसमें और कहां कहां छठ का उद्घाटन आप कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या विकास है आपके तरफ से किया जा रहा है दरौदा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, बहुत तरह का काम है। अभी आपके हसनपुरा ब्लॉक में ही तुरंत स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, बच्चों के खेल कूद के लिए मान लीजिए कि जो व्यवस्था था तुरंत 1-2 महीने में करेंगे। रोड का आप देख ही रहे हैं, अभी चौड़ी क्षेत्र की बात हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले आप लोग गए हुए थे बगल के पंचायत में बकरी कोई जाना नहीं चाहता था मंदिर के पास, लेकिन अभी 2-3 माह पहले ही उसको बनवाए हैं। अभी मान लीजिए कि नदी किनारे जहाँ कोई पूछता नहीं है, जहाँ गरीब दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, कोई नदी किनारे गया किसी काम से, खेती बाड़ी या अपने घर गृहस्थी के लोग भी वहाँ रहते हैं, उन लोगों को कोई फंक्शन करने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए नहीं, कोई जगह नहीं था, उसके लिए 2 सामुदायिक भवन दिए हैं उधर। अभी मान लीजिए कि आज तक जय छपरा में काम नहीं हुआ है, अभी आप देखिएगा 1 सप्ताह में
वहाँ भी शिलान्यास करेंगे। तो हमसे किसी भी क्षेत्र में अभी लगभग 50 से 60 शिलान्यास उद्घाटन बाकी है। अभी आप देखिएगा एक माह के अंदर में रोज दो तीन रोज देखिएगा। सर एक सवाल आपसे और है, जो दरौंदा जो बाजार है मार्केट जो हसनपुरा से हम लोग जाते हैं, वो रोड का स्थिति खराब है, उसके लिए क्या प्लान है सर? देखिए उसके उसका भी DPR बन गया है, लेकिन सरकार कुछ आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। सरकार के पास बजट का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार उसमें थोड़ा सा विलम्ब की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जरूर बनेगा। अब देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका हसनपुरा हो, बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में आज तक कोई व्यवस्था था? देख लीजिए वहाँ भी 6 बेड का अस्पताल बन रहा है, उसका बिल्डिंग वहाँ बहुत जल्दी, हमको लगता है कि वो भी इसी साल उसका भी वहाँ भी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे इसी साल, इसी वर्ष। सर हसनपुरा में स्टेडियम के बात किए थे, तो वो कौन से खेल का स्टेडियम होगा? देखिए कहने का मतलब है कि खेल जितने तरह का होगा, यहाँ तक उसमें इस तरह का भी व्यवस्था होगा कि कोई दूसरे राज्य का भी अगर प्लेयर आता है उसके लिए भी अलग व्यवस्था, अलग रूम, अलग कमरा, अलग उस टीम के लिए व्यवस्था अलग होगा, उस टीम के लिए ए और बी दोनों टीम के लिए अलग अलग कमरे का व्यवस्था, रहन सहन उन लोग का अपना जो। सर जब से आप विधानसभा दरौंदा में जीते हुए हैं तब से खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। सर आपसे हम जानेंगे कि क्या एक बढ़िया क्लब भी होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र में, ताकि युवा वहां पर जाकर सीख सके? एकदम आपका ध्यान है, हम पहले से इस पे जागरूक हैं। अभी आप खेल के ही जगह पर नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप चैनपुर विद्यालय गए हैं कभी? यार कोई गया है चैनपुर विद्यालय में? स्मार्ट क्लास नहीं, स्मार्ट विद्यालय का मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है, मेरा कल्पना है, दरौंदा में स्मार्ट क्लास नहीं है, स्मार्ट विद्यालय दिखे। दरौंदा BRC को भी कर रहे हैं, चैनपुर को भी वहीं स्मार्ट विद्यालय की तरफ तब्दील कर दिए हैं। हम स्मार्ट विद्यालय शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं कि स्मार्ट विद्यालय बनाना चाहते हैं। सर एक और सवाल रहेगा कि सिवान जिले में दरौंदा विधायक जो है एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो और भी जो विधायक हैं वो आपको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जैसे आप विकास लगातार एक पे एक करते जाते हैं, लेकिन और सारे विधायक जो है इस तरह के कामों को जो है ज्यादा सुस्त पड़े हुए हैं। सर सुस्त रहते हैं। देखिए विकास पुरुष के बारे में तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम ही जानते हैं मेरा जो कर्म है, मेरा जो दायित्व है, जनता जिस विश्वास जिस आशा के साथ हमको सामान्य पद भी है उसके प्रति हम हमेशा ही एकदम तत्पर हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। हम अपना समय चाहते हैं कि हर एक सेकेंड मेरा समय मेरे दरौंदा के सम्मानित जनता के प्रति व्यतीत हो, यही मेरा इच्छा रहता है, इसीलिए हम लगे रहते हैं। सर आज क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से, क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि आप लोग मीडिया के साथ ही, जो भी मीडिया परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं, मेरे काम के ही नहीं, मेरा अगर कहीं आपको दिख रहा है वैसा कोई जहाँ जरूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं, जहाँ से जनता जनहित में कोई काम हो वो भी हमको जरूर बताइएगा, यही आगरा बिंदी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज उद्घाटन हुआ है छठ घाट का आपके गांव में और माननीय विधायक करणजीत सिंह और शिवराज सिंह के द्वारा, कैसा लग रहा है, कितना संतुष्ट हैं इस काम से? आज़ाद भारत में पहली बार भिकपुर भगवानपुर गाँव में किसी योजना का उद्घाटन किसी विधायक के द्वारा हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और इस कार्य के लिए मैं अपने पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी आज़ाद भारत के बाद से यहाँ पे कुछ अब तक हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम कुंवर जी थे तब भी कुछ नहीं हुआ, विजय शंकर दुबे जी थे तब भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जगमातो देवी थी वो भी कुछ नहीं कर पाई। वर्तमान में जो करणजीत सिंह उर्फ व्यास जी हैं वो आज उद्घाटन करके गए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। जिस तरीके से आपके गांव में रोड भी नहीं था, अब तो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं पूरा वेल मेंटेनेंस रोड बना हुआ है, किनका देन है? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अच्छा। ना ये विधायक जी का कोई इसमें थी है ना सांसद जी का थी। हाँ विधायक जी हमारे गांव में PCC कराए हैं, ढलाई कराए हैं, वो भी रोड मतलब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, वहीं शिलान्यास किए, वहीं उद्घाटन किए। बाकी दूसरा कोई विधायक आज हो चाहे सांसद हो कुछ यहाँ पर नहीं किया। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, ग्राम भिकपुर भगवानपुर। छठ घाट का आपके गांव में, आप एक युवक हैं भिकपुर भगवानपुर का, हर धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे,
विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ जो छत घाट का उद्घाटन किया गया है उससे काफी हमारे गांव की जनता बहुत खुश है, हम सब बहुत यहाँ पे खुश हैं। जिस तरीके से विधायक जी का कहना था कि आप बच्चों के लिए भी स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे इंद्रौदा में, लड़कों के लिए, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है कि ये इसमें कितना सच्चाई है, वाकई वो करेंगे? जी, विधायक जी का काम से हमको लग रहा है कि विधायक जी यहाँ भी उद्घाटन करेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ जमीन है इसको हम लोग भी यहाँ प्रस्ताव रखेंगे उनके यहाँ स्टेडियम के लिए, और काफी जगह हुआ है तो इसलिए हम लोग आशा है कि यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा और आपके गांव में क्या क्या कमियां हैं जो आप विधायक जी से करवाना चाहेंगे? कमियां हैं हमारे यहाँ अभी एक मंदिर है, मंदिर पे हमारे धर्मशाला का दिक्कत है, हम लोग वहाँ पे विधायक जी के पास उस प्रस्ताव को रखेंगे, उस पास देखते हैं विधायक जी क्या करते हैं। अभी जितना काम किए हैं तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है। परिचय दे दीजिए। प्रिंस सिंह भगवान।